पार्थर संस्कृत श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 46 से 52 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीडवाना। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 46वां पद्य। यावन अर्थम उद्पाने सर्वत संप्लुत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अन्वय, सर्वतः संप्लुत उदके उदपाने यावान यावान अर्थ विजानत ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावान। शब्दार्थ, सर्वतः सब ओर से, संप्लुत उदके परिपूर्ण जलाशय के, उदपाने छोटे जलाशय में, अर्थ प्रयोजन, विजानत भली भांति जानने वाले। संदर्भ, प्राणी को अनंत फलों की प्राप्ति के लिए अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष को केवल उतना ही कार्य करना चाहिए जितने से कि उसका प्रयोजन सिद्ध हो सके। इस भावना को प्रस्तुत पद्य में अभिव्यक्त किया गया है। अनुवाद, सर्वथा भरे हुए जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे तालाब कुएं आदि में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, सम्यक प्रकार ब्रह्म ज्ञान से संपन्न ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सब ओर से जलाशय के पानी से परिपूर्ण हो जाने पर मनुष्य का छोटे जलाशय में या कुएं में जितना सा प्रयोजन रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता, उसी प्रकार भली भांति जानने वाले ब्रह्मवेत्ता का भी संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। विशेष आशय यह है कि एक ब्रह्मवेत्ता का भी कर्म कांडात्मक वेदों में कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि उनका फल तो उसे स्वतः प्राप्त है। महाभारत के शांति पर में भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए हैं, न ते कर्म प्रशंसन्ति कूपे नद्याम पीबन एव, अर्थात जैसे नदी का उपयोग करने वाले व्यक्ति कुएं को महत्व नहीं दे पाते, उसी प्रकार ज्ञानी कर्म कांड की विधियों को महत्व नहीं देते। भाव यह है कि ज्ञानी पुरुष कर्म कांड के चक्कर में नहीं पड़ता है। प्रस्तुत श्लोक में जलाशय का दृष्टांत देकर भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी महात्माओं की आत्यंतिक तृप्ति का वर्णन किया है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य को मृत के समान स्वादु और गुणकारी अथा जल से भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, उसको जैसे जलाशय के लिए वापी कूप तड़ाग आदि छोटे जलाशयों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसकी जल विषयक सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है, वैसे ही जो पुरुष समस्त भोगों में आसक्ति ममता का त्याग करके सच्चिदानंद परमात्मा को जान लेता है, जिसको परमानंद के समुद्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको आनंद की प्राप्ति के लिए वेदोक्त कर्मों के फल रूप भोगों से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। 47वां पद्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। अन्वय, ते कर्मणि एव अधिकार फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा भू ते अकर्मणि संग मा अस्तु। शब्दात, कर्मणि एव कर्म पर ही, मा भू मत बनो, अकर्मणि कर्म त्याग में, संग आसक्ति, मा अस्तु नहीं होवे। अब श्री कृष्ण अर्जुन को अनासक्ति अर्थात बिना फल कामना के केवल मात्र कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होने का उपदेश देते हैं। अनुवाद, कर्म करने का ही तुम्हारा अधिकार है, फलों में नहीं है। कर्मों के फल की इच्छा वाला मत बन, कर्म न करने में भी तुम्हारी प्रीति रुचि नहीं होनी चाहिए। हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म में ही है, फलों में कभी भी नहीं है, अतः तुम कर्म फल के निमित्त वाले मत बनो और तुम्हारे कर्म त्याग में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। विशेष प्राणी को कामना का परित्याग कर सदैव कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि उसकी तृष्णा कर्म के फल में हुई तो वह कर्म फल की प्राप्ति का कारण भी होगा और फिर उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। वैसे ही प्राणी मात्र को कर्म करने का अधिकार है,
अतः कभी भी उससे विमुख नहीं होना चाहिए। यहाँ अर्जुन की इस फल विषयक चिंता का निषेध किया गया है जिसमें वह कहता है कि युद्ध करने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। इस श्लोक का भाव यह है कि फलाशा छोड़कर कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिए, किंतु न तो कर्म की आसक्ति में फंसें और न कर्म ही छोड़ें। त्यागो न युक्त इह कर्म सुनापी रागः। इस श्लोक में अनासक्ति का मूल सिद्धांत विद्यमान है। कृष्ण के इस कथन से दो तथ्य स्पष्ट है कर्म का फल क्या है, इसकी ओर ध्यान दिए बिना सतत कार्य करना तथा अकर्म के प्रति अनुराग न रखना। डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन है कि जब हम अपना काम करते हैं, हल चलाते हैं या चित्रांकन करते हैं, गाते हैं या चिंतन करते हैं, तब यदि हम यश या आय या अन्य किसी तरह के बाह्य लाभ का ध्यान रखें तो हम अनासक्ति से विचलित हो जाएंगे। सत्य संकल्प भगवान के प्रयोजन को स्वेच्छानुसार पूर्ण करने के अलावा अन्य किसी वस्तु का महत्व नहीं है। सफलता या विफलता व्यक्ति पर निर्भर नहीं है अपितु तो और भी अनेक कारणों पर निर्भर है। रहीम कवि का निम्नलिखित दोहा भी यह उल्लेखनीय है। निज कर क्रिया रहीम के फल भावी के हाथ, पासा अपने हाथ में दावना अपने हाथ। अर्थात हमें निरंतर कर्म करना चाहिए, कर्म के फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, कर्म का परित्याग किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। यही उपदेश इस पद्य में दिया गया। अड़तालीसवां पद्य। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अन्वय धनंजय, संगम त्यक्त्वा सिद्धि असिद्धयो समाभूत्वा योगस्थः कर्माणि कुरु समत्वम योग उच्यते। शब्दात् योगस्थः, योग में स्थित होकर, संगम आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर, समत्वम समानता की मनोवृत्ति को उच्यते कहते हैं। भगवद गीता में कई प्रकार से योग की परिभाषा बताई गई है। यहाँ पर अनासक्त भाव से कर्म करने को योग माना है। इसका विवरण प्रस्तुत करते हुए श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, फलाशक्ति का परित्याग करके सफलता और विफलता में समान बुद्धि वाला बनकर कर्म योग में स्थित हुआ कार्य करता रहे, सुख दुख लाभ हानि आदि में समभाव को ही योग कहते हैं। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर अनासक्ति को त्याग कर तथा सफलता और असफलता में समान होकर तुम कर्मों को करो, क्योंकि सिद्धि और असिद्धि में समत्व ही योग नाम से कहा जाता है। विशेष जो भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने या न होने में तथा उसके फल एवं अफल में समभाव रहने का नाम ही समत्व है। आसक्ति को छोड़कर सुख दुख जय पराजय आदि में समान बुद्धि वाला होकर निरंतर कर्म करना चाहिए। धनंजय अर्जुन का एक नाम है, क्योंकि जब युधिष्ठिर सम्राट थे उस समय अर्जुन उनको विभिन्न राज्यों या प्रदेशों से धन जीत कर और ला ला कर देता था। यहाँ मन की समता को योग कहा गया है। अतः योगस्थ का अर्थ है अपनी आंतरिक शांति में स्थिर तथा आंतरिक संतुलन को समत्व माना है, जो अपने आप को वश में करना है। इस प्रकार के धीर और गंभीर स्वभाव वाला व्यक्ति शीघ्र रुष्ट या तुष्ट भी नहीं होता और न उसे कोई हृदय का रोगी होता है। शने रुष्टा शने शने तुष्टा, रुष्टा तुष्टा शने शने, अव्यवस्थित चित्तस्य प्रासादो अपि भयंकर, समत्वम योग उच्यते। इसे भगवान ने योग पद का पारिभाषिक अर्थ बतलाया है। अभिप्राय यह है कि यहाँ योग समता का नाम है और किसी भी साधन के द्वारा समत्व को प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच कृपणा फल हेतु। अन्वय बुद्धि योगात कर्म दूरेन अवरम अतः धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच ही फल हेतु कृपणा।
शब्दार्थ बुद्धि योगा समत रूप बुद्धि योग से कर्म सकाम कर्म दूरेन अवरम अत्यंत तुच्छ है। बुद्धौ समत बुद्धि रूप ज्ञान का अन्विच आश्रय प्राप्त करो, आश्रय ग्रहण करो, कृपणा दीन। प्रस्तुत पद्य में सकाम कर्म की निंदा करते हुए निष्काम कर्म या बुद्धि योग का महत्व प्रतिपादित किया जा रहा है। ज्ञान योग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है, अतः हे अर्जुन तू समत्व बुद्धि से युक्त निष्काम कर्म योग का आश्रय ले। निश्चय ही फल की वासना करने वाले अत्यंत दयनीय होते हैं, तू ऐसा दीनहीन मत बन। हे अर्जुन इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है, इसलिए तुम समत्व बुद्धि रूप ज्ञान का आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि फल के निमित्त वाले दीन होते हैं। यहाँ बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म को अत्यंत निम्न कोटि का माना गया है, अतः फल को कारण मानकर कर्म करने वालों को भी इसी श्रेणी में रखा है। सकामियों के कर्म जन्म मरण के हेतु होने के कारण अत्यंत ही निकृष्ट है। कर्म फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। इस कथन का भाव यह है कि जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में ममता आसक्ति और कामना करके फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं वे दीन हैं, अर्थात दया के पात्र हैं, इसलिए तुमको वैसा नहीं बनना चाहिए। प्रस्तुत पद्य में सकाम कर्म की निंदा करके निष्काम कर्म योग की प्रशंसा की गई है। शरणम श्री ल्युट प्रत्यय। 50वां पद्य। बुद्धि युक्तो जहाति इय उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अन्वय बुद्धि युक्तः सुकृत दुष्कृते उभे इय जहाति तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। शब्दात् बुद्धि युक्तः साम्य बुद्धि से युक्त। इह इस लोक में इस संसार में उभे दोनों सुकृत दुष्कृते पुण्य और पाप जाति त्याग देता है कौशलम कुशलता। योग की पुनः एक और परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति समत्व बुद्धि से युक्त होकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है वह उसका कार्य योग की श्रेणी में आ जाता है, अतः अर्जुन को भी स्वधर्म आचरण से विमुख नहीं होना चाहिए। अनुवाद समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष पाप पुण्य दोनों को छोड़ देता है, उनमें लिप्त नहीं होता। अतः हे अर्जुन तू समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। ये समत्व बुद्धि योग कर्मों के बंधन से छूटने का सुंदर व सरल मार्ग है। साम्य बुद्धि युक्त पुरुष इसी लोक में दोनों पुण्य और पाप को छोड़ देता है, इसलिए तुम समत्व बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है तथा वही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। विशेष कर्म करके भी कर्म के बंधन में ना आना, यही कर्म में कुशलता है। यह प्रवृत्ति मनु प्राणी को मोक्ष की ओर उन्मुख करती है, इससे उसे लाभ ही लाभ प्राप्त होता है और मनुष्य को यही करना चाहिए। योग क्या है उसे पुनः श्री कृष्ण ने समझाया है। वे कहते हैं कि कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है, इसे पूर्व योग के लिए उन्होंने समत्व बुद्धि होना आवश्यक बतलाया था। अतः गीता के अनुसार समत्व बुद्धि युक्त होकर कार्यों को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है। यह बुद्धि और उससे युक्त निष्काम कर्म योगी समस्त कर्म बंधनों से छुड़ाता है। इक्यावनवा पद्य। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। अन्वय ही बुद्धि युक्ता मनीषिण कर्मजम फलम त्यक्त्वा जन्म बंध निर्मुक्ता अनामयम् पदम गच्छन्ति। शब्दार्थ मनीषिण ज्ञानी जन कर्मजम कर्मों से उत्पन्न होने वाले विनिर्मुक्ता विशेषतया छूटे हुए अनामयम निर्विकार। अपने कार्य में कुशलता को योग बताकर श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः उपदेश देते हैं कि तुच्छ फल के परित्याग से परम पद प्राप्त हो सकता है। अनुवाद
समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी मनुष्य कर्म से पैदा होने वाले फल का परित्याग करके जन्म मरण के बंधन से छूटकर अमृत रूप परम पद को प्राप्त करते हैं। क्योंकि समत्व बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म के बंधन से विशेषतया छूटे हुए अमृतमय पद स्थान को पा जाते हैं। विशेष समत्व बुद्धि से युक्त होकर और कर्म फल का परित्याग करके जो मनुष्य निरंतर कर्म करते रहते हैं वे अमर पद को प्राप्त करते हैं। आमय रोग या दोष को कहते हैं, अतः अनामयम का तात्पर्य हुआ निरोग या दोष रहित, जिसका आशय है आदि भौतिक आदि दैविक व आध्यात्मिक दुखों से रहित। ऐसा स्थान सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित होता है। मनीषीना मनीषा इनी विनिर्मुक्ता विनिर्मुच कतर पत्य है। 52वां पत्य। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अन्वय, यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति तदा श्रोतव्यस्य च श्रुतस्य च निर्वेदम गंतासी। शब्दात यदा जब जिस समय मोह कलिलम मोह रूपी दलदल से व्यतितरिष्यति भलीभांति पार कर जाएगी निर्वेदम वैराग्य को। आत्मस्वरूप में योग की प्राप्ति किस अवसर पर होती है अथवा इस प्रकार के परम पद की उपलब्धि कब होती है, अर्जुन की इस जिज्ञासा का अनुमान कर श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुवाद, जिस स्थिति में हे अर्जुन तुम्हारी बुद्धि मोह अज्ञान रूपी दलदल को भली भांति से पार कर जाएगी भली प्रकार से पार कर जाएगी उस स्थिति में तुम्हें भविष्य में सुनने योग्य और भूतकाल में सुने गए विषयों से विरक्ति हो जाएगी। जिस स्थिति में हे अर्जुन तुम्हारी बुद्धि मोह अर्थात अज्ञान रूपी दलदल को भली प्रकार से पार कर जाएगी उस स्थिति में तुम्हें भविष्य में सुनने योग्य और भूतकाल में सुने गए विषयों से विरक्ति हो जाएगी। जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी तब तुम सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त करोगे अर्थात तत्व के सम्मुख होने पर जो सुनना शेष रहता है तथा जो सुना जा चुका है वह सब तुमको फीका लगेगा, इसके बाद तुझे अधिक सुनने की इच्छा नहीं होगी। विशेष या मोह या अज्ञान को दलदल या कीचड़ माना है जो अविवेक या कालिमा है। बुद्धि का इससे मुक्त होना नितांत आवश्यक है। इस श्लोक का भाव यह है कि जिस व्यक्ति को अंतर्दृष्टि प्राप्त हो चुकी है उसके लिए शास्त्र अनावश्यक है और जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह वेदों तथा उपनिषदों के क्षेत्र से परे पहुंच जाता है। कहा भी गया है शब ब्रह्माति वर्तते, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मोह के नाश होने पर जब तुम्हारी बुद्धि सम्यक प्रकार से स्वाभाविक स्थिति में पहुँच जाएगी तब तुम्हें इस लोक और परलोक के समस्त क्षणिक पदार्थों से यथार्थ वैराग्य हो जाएगा। फल के प्रति मोह का नाश करने पर मनुष्य वैराग्य को प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत पद्य में श्री कृष्ण अर्जुन से यही भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं।